धर्म और मजहब का कोई दहशतगर्द से कोई लेना देना नहीं। वो इंसानों के दुश्मन होते हैं, वो अमन के दुश्मन होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर उनके लिए कोई जगह नहीं है। हम भारत सरकार से ये मुतालबा करते हैं कि जिन लोगों ने वो हमला किया उसकी पूरी चौकसी करके सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिलना चाहिए। यह मुतालबा हम लोग करते हैं। आज इस्तकबाल प्रोग्राम को हम लोगों ने मुलतवी किया, कोई फूलहार कोई इस्तकबाल यहां पर नहीं लिया जा रहा है और मैं समझता हूं कि मालेगांव फेस्टिवल के ताल्लुक से हमारे मुकर्रर ने आप लोगों के सामने बातों को रखा, तामीरी काम की भी बातें यहां पर हुई। मैं वक्त कम है, कम वक्त के अंदर कुछ बातें बोलने की कोशिश करूंगा। मैं कई दिनों से यह बात महसूस कर रहा हूं खास तौर से इन चंद महीनों में बहुत शिद्दत के साथ ये बात शहर की आवाम भी महसूस कर रही है और मैं भी कर रहा हूं। कि सिर्फ वो कांग्रेस पार्टी और एमएलए के ऊपर ही क्यों हमला किए जा रहे हैं, सियासी हमला, या कांग्रेस के वर्करों के ऊपर ही क्यों हमले किए जा रहे हैं? यह आप भी महसूस कर रहे होंगे और मैं भी बड़ी काफी दिनों से मैं भी ये बात महसूस कर रहा हूं। असल में ये वजूद बचाने की लड़ाई है। हमारे मुखालिफ पार्टियां अपना सियासी वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आप लोग संजीदगी के साथ सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं ये सच है या नहीं है। असेंबली का इलेक्शन के अंदर जो आज एक हो रहे हैं वो लोगों ने, सब लोगों ने अलग अलग मेरे सामने असेंबली का इलेक्शन लड़ा, अपना अपना उनका स्टेज था, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको, आपके नुमाइंदे को इज्जत से नवाजा, मुझको अल्लाह ताला ने एमएलए बनाया। वो लोग शिकस्त खा गए, हार गए। उसके बाद कॉरपोरेशन का चुनाव आया और कॉरपोरेशन के इलेक्शन के साथ कुछ पार्टियां एक हो गई। और इत्तेहाद कर लिया गया और हमारे सामने का इलेक्शन लड़ा गया कॉरपोरेशन में। लेकिन अगर आप सोचे और समझे कि कांग्रेस पार्टी को 28 सीट मिली तो कहां से मिली? कांग्रेस पार्टी को 28 सीट मिली
तो हमारे सिर्फ उसमें से चार कॉर्पोरेटर हद्दवाल के अंदर से दयाने से और साइने से चुनकर आए, लेकिन 24 कॉर्पोरेटर इस असेंबली हल्के से चुनकर आए। और अगर आप एनसीपी की बात करेंगे तो उनके 20 कॉर्पोरेटर चुनकर आए, उनके 4 कॉर्पोरेटर दयाने से चुनकर आए, 16 ही कॉर्पोरेटर मालेगांव शहर से आए। जनता दल के पहले भी 4 थे, इत्तेहाद के अंदर वो है, लेकिन राष्ट्रवादी की हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो जो पार्टियां गई, आप कुछ सोच लो कहां से कौन चुनकर आया, कॉर्पोरेशन में तो कुछ जमा नहीं। अब कैसे असेंबली में रोका जाएगा, क्योंकि एमएलए तो मालेगांव शहर के अंदर जो जो वादा मैंने किया उसके ऊपर मैं पूरा उतर रहा हूं और आवाम के काम कर रहा हूं, विकास दौलत हर समाज का हर बिरादरी का काम कर रहा हूं, तो इसको कैसे रोका जाएगा। तो बात ये चली कि आप किसी तरीके से हम सबको एक होना पड़ेगा। और किसी शख्स ने तो ऐसा कह दिया अपनी निजी महफिल में, मुझे मालूम हुआ कि अगर शेख आसिफ को दोबारा असेंबली से नहीं रोका गया, एमएलए बनने से नहीं रोका गया, तो बोले दोबारा ये तो कॉर्पोरेटर भी अपने को नहीं बनने देगा, तो इसको रोकने के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसलिए ये सब इत्तेहाद हो रहा है, कोशिश की उसको रोकने के लिए। हमारी सनत की तरक्की जो हो रही है उसको रोकने के लिए, जो रोजगार के नए नए रास्ते खुल रहे हैं उसके लिए, ये सब एक होकर इलेक्शन लड़ेंगे। चाहे नदी के उस पार के लोग हो, चाहे नदी के इस पार के अपोजिशन के लोग हो, ये सब मिलकर मुझको हराने की बात कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है, असल में मुझको वो दिन याद आता है कि जब शेख रशीद साहब ने मुझको पहला कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खड़ा किया, शेख रशीद साहब ने वार्ड नंबर 12,000 कोली से, मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद पहली मीटिंग वार्ड के अंदर हुई, चंद लोग सामने बैठे थे, मैं कभी तकरीर नहीं किया करता था, और मैंने वहां पर शेख रशीद साहब ने मुझको खड़ा कर दिया और कहा कि आप बोलिए, अपील करिए। मैं खड़ा हुआ, मेरे पैर कांप रहे थे और मैंने कहा कि आप मुझको चुन कर दो, मैं आपका काम करूंगा, और बैठ गया। ढाई साल गुजरे और मेयर का चुनाव लग गया 2005 में। कई पार्टी के कॉर्पोरेटर ने मिलकर मुझको मेयर बनाया,
और सब लोगों ने जो दिग्गज जो अपनी मोनोपोली कॉरपोरेशन के अंदर चला करती थी वो लोग बहुत खुश थे कि 24 साल का बच्चा है, इसको अपन अपने ढंग से हैंडल कर लेंगे। मैं मेयर बन गया, पहली मीटिंग थोड़ा लाइट लिया, मैंने समझने की कोशिश की कि मेयर की चेयर के ऊपर बैठ के कैसा लगता है, और दूसरी मीटिंग से यकीन जानो जो लोगों ने शहर के अंदर कॉरपोरेशन को अपनी रोजी रोटी समझा, अपनी मोनोपोली बनाई, दूसरी मीटिंग के बाद से कॉरपोरेशन के हाल के अंदर आना छोड़ दिए थे उन्होंने। और उसके बाद अभी हमारे कोई साथी ने कहा कि दो दिन नागा करके पानी आ रहा है, वो दिन याद करो, मुझे बताओ 2005 के बाद से कि कितना हंडा लेकर मोर्चा निकला या पानी के ऊपर से लड़ाई हुई हमारी बहनों के अंदर। कभी जहां पर शहर के बीच के अंदर पानी नहीं आया करता था, अल्लाह का करम आज हवे के ऊपर पानी आ रहा है, यह किसकी देन है? जिस वक्त मैं मेयर बना उस वक्त 17 पानी की टंकियां अगर आपको जो नहीं दिख रही है वो किसी की देन नहीं है। जिस वक्त मैं मेयर बना था उस वक्त 178 करोड़ रुपए की स्कीम आई थी, उसका काम आज तक चल रहा है। 27 किलोमीटर की पाइपलाइन उस वक्त डाली गई, मुजाफरत के अंदर पानी की टंकियां बनी, शेख रशीद साहब की कोशिशों गिरना डैम का पानी आया, और सिर्फ दो दिन गैप करके अगर आज पाने की बात अगर प्लानिंग की गई तो बारिश कम हुई। अल्लाह का फैसला है बारिश कम होना ज्यादा देना। अगर आज से हम लोग पानी की बचत कर रहे हैं तो ये आइंदा बारिश आने तक इसका प्लान किया गया है। न तो जाकर देखिए आप हमारे इतराब के शहरों के अंदर, मनमाड़ के अंदर, लातूर की आपको पिछले साल की बात पता होगी कि विलासराव देशमुख साहब वहां के वजीर आला थे, रह चुके, लेकिन उसी शहर के अंदर पिछला दुष्काल पड़ा तो ट्रेन से पानी लाया गया, ट्रेन के जरिए पानी शहर के अंदर पीने का लाया गया। यह हमारी प्लानिंग है, यह हमारा निवेदन है, यह शहर के आवाम को तकलीफ ना हो उसके लिए प्लानिंग हमने की। मैं ये बोल रहा था कि क्या वजह है कि अपोजिशन पार्टियां एक हुई, उसके बाद 2007 का इलेक्शन हुआ कॉरपोरेशन का, शरद पवार साहब, मुझे याद है कि 2007 की बात मैं बाद में बोलता हूं, 2014 में जब असेंबली के चुनाव हुए तो शाम में 4 बजे बीजेपी की सरकार को किसने प्रतिनिधित्व दिया, किसने सपोर्ट दिया? जिस दिन नतीजे आ रहे थे शरद पवार साहब ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर से सपोर्ट देने का ऐलान कर दिया कि बहुमत तुम्हारे साथ है, पब्लिक तुम्हारे साथ है, और जमहूरी मुल्कों के अंदर सरों को गिना जाता है, और भारतीय जनता पार्टी की आवाम ने
सरकार को सरकार बनाने का मौका दिया, शरद पवार साहब ने हिमायत दे दी, आवाम का फैसला मानना पड़ता है। 2007 में भी तीसरा महज की बुनियाद डाली गई, 27 सीढ़ी शहर की आवाम ने शहर के साबिक एमएलए को दी कि शहर में तालीमी इंकलाब आएगा, शहर में तामीरी इंकलाब आएगा, शहर में संडासे बनाई जाएगी। शहर की आवाम ने कबूल किया, भला आदमी दिख रहा है, लिबास उसका अच्छा है, पहरावा उसका अच्छा है। हमने भी सोचा शहर की आवाम का फैसला है, साथ में हमने भी पाठिंबा दे दिया, सपोर्ट दे दिया, हिमायत दे दी, उनको मौका दिया गया मेयर बनाने का। 2009 का चुनाव आए असेंबली के, फिर एक मरतबा शहर की आवाम ने फैसला की, भरोसा की कि नहीं शेख रशीद साहब अब नुमाइंदगी नहीं कर सकते, अब उनको मौका नहीं देना है। मौलाना को एमएलए बनाना है। 2009 का इलेक्शन भी शहर की आवाम ने जिता दिया, कॉरपोरेशन से 2007 की सत्ता कांग्रेस के पास से चली गई। 2009 का असेंबली का सत्ता भी चली गई और शहर के अंदर चर्चा होने लगी कि कांग्रेस पार्टी ये शहर से खत्म हो जाएगी, वजूद खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो हमेशा आदत है वोटों का सौदा करने की, कब कहां बैठना उनको अच्छी तरीके से कलाकारी आती है। यह चर्चा शहर में शुरू हो गई, शेख रशीद साहब कॉपरेशन हुआ, दो साल शेख रशीद साहब बेड के ऊपर थे ऑपरेशन फेल होने की वजह से, बहुत कठिन हालात कांग्रेस पार्टी में गुजरे, बहुत संघर्ष करना पड़ा, और 2011 के अंदर सदारत कांग्रेस पार्टी की मुझे मिली। फिर एक मर्तबा एक साल का मौका था, एक साल के अंदर शहर की आवाम के काम किए गए, उनके बीच में हम वापस गए, लोगों का सुख और दुख बांटा हमने, लोगों के मसाइल हल किए, गरीबों के मसाइल हल किए, संघर्ष किया, पार्टी को मजबूत किया, लोगों को जोड़ा हमने, और जब नतीजे आए 2012 के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के, यकीन जानो 2012 में कॉर्पोरेशन के चुनाव चल रहे थे, वोटिंग चल रही थी, उसी दिन मैं अब्दुल्ला नगर की रोड से गुजर रहा था, रास्ते में मैं रिक्शे पे चल रहा था और सामने से प्रेस वालों की, मीडिया वालों की, साफियों की गाड़ी आई, मैंने हाथ देख उनको रोका, वो लोग भी राउंड मार रहे थे पोलिंग बूथ के ऊपर, मैंने उनसे पूछा कि कांग्रेस की कितनी सीट आएगी, क्या पोजीशन है शहर में, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी 3 नंबर पे रहेगी, यह जुमला था उनका, 1 नंबर मौलाना, 2 नंबर निहाल साहब और 3 नंबर कांग्रेस रहेगी।
मैंने उनको देखकर मुस्कुरा दिया और यकीन जानो दोस्तों, अल्लाह गवाह है, मैंने जवाब उनको यह दिया कि कांग्रेस पार्टी यह शहर में एक नंबर की पार्टी होगी और 25 सीट आएगी। और 25 कारपोरेटर शहर में चुन कर आए। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा था, मेरे गुमान मेरे नहीं था कि शेख रशीद साहब मेरा नाम उम्मीदवारी के लिए डिक्लेयर कर देंगे। 2014 में, क्योंकि 2012 में जब कांग्रेस को सत्ता मिली तो हमको उन्होंने सपोर्ट किया, आज अगर मैं ये बोलू, बहुत अपने आप को अपना किरदार साफ बताते हो, बहुत भ्रष्टाचार की बात करते हो, बहुत ईमानदारी का डंडेरा डिंडोरा पीटते हो, 2012 जिस दिन कॉर्पोरेशन के नतीजे आए, यकीन जानो दोस्तों, अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की, के नतीजे पूरे आए भी नहीं थे, कांग्रेस बढ़त पे थी और ये लोग नीचे थे और कैंडिडेट कॉर्पोरेटर चुनकर अपने घर तक मोर्चा जुलूस भी नहीं गया था। 4 बजे चिक्कलवाड़ के रेस्ट हाउस में बैठक हमारी हो गई थी, इन्होंने अपने मेंबरों को हमारे पास 75 लाख रुपए में बेच डाला था, जब जाकर सपोर्ट दिया था। इस बात का गवाह अम्मार खुद है, अम्मार अहमद इस बात का गवाह है। और पहला टोकन असर की नमाज के बाद 25 पेटी हदिया, 25 पेटी कहां पर हुआ था पहला टोकन? अरकम मस्जिद के पास, इसरार आजमी साहब के घर के पास में 25 का टोकन दिया गया था। बहुत सारी बातें हैं, इन्होंने सपोर्ट दिया, अरे मशवरा भी नहीं किया मेंबरों से, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से मशवरा भी नहीं किया कि भाई हमको किसके साथ बैठना है। सौदा हो गया, इसार पौती हो गई, रात में मेंबर ताबे में भी, लेकिन हमने शहर का विकास 2012 के अंदर किया, 2 सालों के अंदर ये शहर को वापस विकास के रास्ते पे लाए, तामीरी काम किए। जिस वक्त शेख रशीद साहब ने मेरी उम्मीदवारी डिक्लेयर की, मैं वहां मौजूद नहीं था, घर पर था, और मैं कह रहा था शेख रशीद साहब से कि आप इलेक्शन लड़िए, लड़ो। उन्होंने कहा कि नहीं, तेरे को इलेक्शन लड़ना है। उसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और शहर की आवाम से जो वादे हम लोगों ने किया, ये मंच पे बैठे हुए लोगों ने जो शहर की आवाम से हमने वादा किया, वो वादा हम लोगों ने पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि इनको समझ रहा है कि हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, शिवसेना के खिलाफ है, सरकार की तब्दीली होने वाली है, और अगर शेख आसिफ चुन कर आए तो उसकी तरक्की हो जाएगी, तो इसको रोको। ये अपनी वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आपकी फिक्र नहीं, कोई शहर के तामीर तरक्की से कोई लेना देना नहीं, आपकी कोई फिक्र नहीं, अपनी वजूद बचाने के लिए ये लोग एक हो रहे हैं। मैदान साफत में एक अखबार सजाद अख्तर का है, उसमें उन्होंने लिख दिया कि पार्लियामेंट की बिस्सी, बहुत खराब लगा।
इतना खराब लगा, बोले यार उसका बचा वो जो बाकी बिल है ना उसका बोले वो देने का नहीं। पेपर वाले को मैसेज दिया गया, बोला गया कि जो तेरा इश्तिहार का पैसा बाकी है अब वो नहीं मिलेगा, तूने क्यों ऐसा लिखा? मुझे बताओ क्या गलत लिखा उसने? अगर उसने कलम उठाकर ईमानदारी से लिखा कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में लाखों की बिस्सी, क्या गलत लिखा? चलो अगर हम लोग कॉर्पोरेशन के अंदर नाकाम हो रहे हैं या हमारे अंदर कोई कोताही है, कोई कमजोरी है, तो आपने 2017 से हमारी शिद्दत से मुखालफत पानी सफाई के ऊपर क्यों नहीं की कि शहर में सफाई नहीं हो रही है, शहर में धूल मिट्टी है, आपने क्यों मुखालफत नहीं की? शहर में काम नहीं हो रहे, आपने क्यों मुखालफत नहीं की? कल मेमोरेंडम दे दिया गया, फोटो खिंचा लिया गया, बोले 1 मार्च तक अगर नहीं हुआ तो हम लोग एहतजाज करेंगे। फिर ये बेवकूफ बनाने की मशीन, ये फिर बिस्सी उठाने की चक्कर है, क्योंकि 6 मार्च के बाद तो आचार संहिता लग जाने वाली है पार्लियामेंट की, कौन सी तहरीक चलाओगे? ये जमा करेंगे आवाम को, ये मोर्चा निकालेंगे, ये धरना देंगे, ये जलसा करेंगे, और जो भी उम्मीदवार उसको बताएंगे देख ले कितनी गर्दी है भाई, देख ले इतनी बिस्सी लगेगी तो तेरा काम, तेरे को सपोर्ट नहीं तो नहीं होगा। मुझे बताओ जनता दल और महागठबंधन, महागठबंधन महागठबंधन 2017 से बंद ही नहीं हो रहा था, अभी कल शनिचर है, कल उन्होंने भी जनता दल के नाम से कल मीटिंग रख ली, बोले कहां पर पार्टी ऑफिस में मीटिंग होगी। न्याल अहमद साहब के हम ज्याले वर्कर है, बासी कड़ी के अंदर उबाल आ रहा है सिर्फ बिस्सी के लिए, क्या बिस्सी एक नहीं होना, उसमें बंटवारा नहीं होना, मैं मेरी घड़ियाल की दुकान अलग, तू चारे वाली भाई की दुकान अलग लगेगी तो 2 बिस्सी उठेगी। कहां गया था चारे वाली भाई को, दम गई थी 17 से, फिर लेके आए कि इनकी दुकान अलग लगेगी तो इनसे बात, इनकी दुकान लगेगी इनसे बात, तीसरे की दुकान लगेगी तीसरे से बात। आपका सौदा हो जाता आपको पता नहीं होता, और यकीन जानो होगा ये कि ये सीट कांग्रेस पार्टी को छूट रही है। मैं आज इस मंच से बोलना चाहता हूं, अगर मेरे अखबार के साथी अगर हो गए तो लिख दो कल, मैं उन अपोजिशन पार्टियों के वर्करों को बोलना चाहता हूं कि बिस्सी आपके नाम पर उठेगी और हजम कर ली जाएगी, और आपको 1 रुपया ये पार्लियामेंट के इलेक्शन में नहीं देंगे। क्या आप काम करो, वर्करी करो, क्योंकि उसकी वजह है कि कोई दूध के अंदर कोई तो पानी मिलाएगा, उनको पता है कि कांग्रेस तो करेगी, फिरका परस्त ताकत को रोकने के लिए हम तो मैदान में आएंगे, लेकिन अगर वोट जितने भी मिलेगी बोलेंगे साहब ये तो हमने दिलाए, लेकिन वो कांग्रेस की वोट रहेगी, कांग्रेस के वर्करों की मेहनत रहेगी, और तुम्हारे साथ धोखा होने वाला है। उन अपोजिशन पार्टियों के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, मैं अनीस अजहर साहब को बहुत दिन से देख रहा हूं कि उनकी वो सिटी 100 होंडा है, मैं उस दिन नयापुरे में इनके पीछे बैठ के चल नहीं रही थी, अगर ये बेचने जाएंगे तो 8,000 में भी कोई नहीं लेगा, यकीन जानो। मैं 15-20 साल से इनको देख रहा हूं, उनकी तरक्की नहीं हो रही है, मौलाना है ये भी तरावी पढ़ाते हैं,
इनके भी दिल के अंदर कुरान है, इनको भी जो हदिया मिलता होगा 2100 मिलता होगा, 2500 मिलता होगा, लेकिन तरक्की नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या वजह। सिर्फ एक वजह हो सकती है, वो ईमानदार है। नयापुरे में से गुजरो, यकीन जानो कितनी नंबर गली है वो, 15 नंबर गली से आप गुजरो, 4 फोर व्हीलर खड़ी रहती थी, 4 फोर व्हीलर, पहले होंडा, वो इनके जैसी जो होंडा थी पहले, वो मौसम बोल में रसीद फिटर के वो बनाई करती थी, मुझे वो भी पता है। 4 फोर व्हीलर 15 नंबर गली में नजर आती थी। मैं भी एक तो टाइम गुजरा तो गाड़ी गायब, मतलब क्या हो गया, गाड़ी गायब क्यों हो गई, 4 फोर व्हीलर। मैं एक उसी गली के हमारे साथी, मैंने उनसे पूछा यार गाड़ी नजर नहीं आ रही है, बोले वो गोडाउन के अंदर ना पर्दा ढक दिया गया है कि कोई देख ना पाए, है ना, आवाम को पता चल रहा है कि माल बहुत आ रहा है, पैसे बहुत आ रहे, पर्दे में छुपा दिया गया। उनके एक रिश्तेदार मुझे मिले, हलीम भाई, असल में वो दिल से अपने को मानने वाले, वो आए बोले यार हिस्सा मिलने वाला है, तो बोले हमारी अपनी रिश्तेदारी है, तुम समझ जाओ, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, रिश्तेदारी है, बोले हिस्सा मिलने वाला है, मेरे मामा लगते, मेरी अम्मा उनकी बहन है, बोले 50 करोड़ रुपया आने वाला है। तो मतलब 50 करोड़ कहां से आएगा, अनीस अजहर ने तो सिटी 100 ही नहीं बदले, लेकिन फोर व्हीलर भी आ गई, ये भी आ गए, ठीक है समझ लिया जाए, 75 तो अपना ही दिया हुआ है 7-12 में। तो बोले बंबई के अंदर कोई खार वाली जमीन है, नमक वाली, वो बिकने वाली है, जमीन बिकने वाली है बंबई के अंदर। मैं मतलब बंबई के अंदर नमक का बनता, तो पता चला गोदरेज कंपनी के सामने खूब ढेर नमक बनता है, अभी आज जाओ मुंबई एंट्री करो मुलुंड, मुलुंड नाके के आगे जाएंगे तो गोदरेज कंपनी के लेफ्ट साइड में सामने, बोले वो जगह उनकी है, बोले लिए हुए थे, कई पार्टनर थे, बोले सौदा चल रहा बाहर की कंपनी से, बस पैसा मिलने वाला है और उसके बाद हम लोग का हिस्सा होगा। और उनके एक वर्कर ने कहा कि ईस्ट एम असेंबली में बहुत पैसा हम लोग लगाने वाले हैं, कमी पड़ने वाली नहीं है। ताज्जुब इस बात का है, ये पैसा कहां से आ रहा है, कोई बिजनेस तो नजर नहीं आता, ये पैसा कहां से आ रहा है, शहर को सोचना है। मैं कोई इल्जाम उल्जाम लगाता नहीं किसी के ऊपर, यकीन जानो जो लोगों की आंख पे आज तक पर्दा लगा हुआ है वो लोगों को सोचने की जरूरत है। मैं कभी दुबई नहीं गया, सिर्फ मक्का मदीना मुंबई मालेगांव, इसके अलावा मैं बाहर कहीं नहीं गया। कुछ लोग शहर से दुबई भी जा रहे हैं, और दुबई जाने के बाद रिटर्न भी आ जा रहे हैं। असल में मैं मालूमात लिया कि दुबई का क्या चक्कर है, बोले हीरा गोल्ड का हेड ऑफिस दुबई के अंदर है, मैं सुना वहां भी 12 लगाए, 12 करोड़ 12 सीआर 15 जो
गरीब लोगों का उनका तो मिलना ही चाहिए। मैं सुना कि यहां पर हीरा गोल्ड की ऑफिस के ऊपर एडी के लोग आए थे, एडी के, और उन्हें सील करके गए। मैं जाने वाला हूं और उनसे मुलाकात करने वाला हूं कि जितने गरीब लोगों के पैसे लगे सबको दे दो, लेकिन ये बड़ी बड़ी अमाउंट का चौकसी होना चाहिए कि ये माल कहां से आया है, पैसा कहां से आया, ये होना ही चाहिए। और नहीं तो मेरे पीछे मेरे पे भी इंक्वायरी की डिमांड करो, सीबीआई की करो, एनआईए की करो, एडी की करो, चाहे जो एजेंसी आपके मर्जी में है मेरी भी डिमांड करो कि मेरे भी परोपड़ी की चौकसी करो, मेरे पास कितना रुपया पैसा है या मेरे परिवार के पास कितना है। चैलेंज है कि सामने पेपर लेके बैठ जाऊंगा, लेकिन ये सब चौकसी होना चाहिए। असल में आपकी आग के अंदर धूल झोंक कर पैसा कमाया गया है, आपको इस्तेमाल किया गया है, कभी मजहब के नाम पर इस्तेमाल किया गया, धोखा दिया गया शहर की आवाम को और रुपया पैसा कमाया गया है। ना ये सत्ता में थे इन्होंने कुछ किया और ना आज अपोजिशन के अंदर इन्होंने कुछ किया है। शहर की आवाम को सोचना है। मैं अगर काम करना जानता हूं तो कानून अल्लाह का करम है, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 1949 का कानून की बात बोलो, पीएचडी है मुझे उसकी, असलम भाई है कि नहीं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कानून का बहुत जानकारी हूं मैं। और अल्लाह का करम है, आप लोगों ने असेंबली में भेज दिए, वहां पर भी कुछ समझने लगा। अगर मैं काम कर सकता हूं, अगर किसी का काम बना सकता हूं, तो याद रखना, अगर मेरे काम में रुकावट पैदा करने की कोशिश की गई मैं कॉर्पोरेशन के उन सब कॉर्पोरेटरों को बोलना चाहता हूं, माफ करना, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे कोई भी पार्टी के हो, वो सब कॉर्पोरेटर को बोलना चाहता हूं कि मुझे सब समझता है कि टेंडर कितने का लिया जा रहा है, अगर रोड का काम है तो कितने इंच हो डामर का काम होना चाहिए रोड पर, वो भी मुझे समझता है। अगर सीमेंट रोड बनाना है तो उसका कितना इंच होना है वो भी मुझे समझता है। मैं गुरुवार वार्ड के अंदर भी घूमता हूं रिक्शा पे गाड़ी पे, तो मेरी नजर रहती है रोड कल बना है तो उसको कितना इंच माल होना था और कितना इंच माल डाला गया है। अगर रौनकाबाद इलाके में घूमता हूं तो वो भी देखता हूं, शहर में घूमता हूं तो वो भी देखता हूं, लेकिन नजरअंदाज करता हूं कि कौन इतना सब पंचायत में पड़ेगा, अपना अपना जो शहर से वादा किए वो करो। लेकिन याद रखना, अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की गई तो खुट्टा भी बहुत अच्छा डालना आता मुझे, क्या बात है, चाहे इसको दम समझो, चाहे मेरा मशवरा समझो या नसीहत समझो, मुझे छेड़ना की कोशिश कॉर्पोरेशन के कोई भी कॉर्पोरेटर ना करे
और नहीं तो मैं किसी का बिल निकलने नहीं दूंगा। कहीं कॉर्पोरेटर आए, ठीक है मैंने अभी लेटर दे दिया कि शहर का तामीर तरक्की करना है, अभी लेटर दे दिया कि बिल दो, काम करना है फटाफट, बजट लेप से नहीं होना है। लेकिन अपोजिशन पार्टी के कॉर्पोरेटरों को या हमारे अपने कॉर्पोरेटर हो या 80 कॉर्पोरेटर हो, अगर 80 में से किसी ने भी छेड़ने की कोशिश अगर मुझे की तो बख्शूंगा नहीं, ये बात याद रखना। वापस बोल रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा समझता है। उसके अलावा अगर किसी ने मेरे से फायदा उठा लिया इन 6.5 सालों में, अगर मैं उनके काम आया, अगर मैं उनके काम किया हूं, तो ऐसा समझना मत कि मुझे तुम बेवकूफ बना सकोगे। मैं सिर्फ एड़ी का मत लेता हूं, याद रखना, मेरे जहन में सब रहता, मैंने किसका काम किया, किसका नहीं किया, कौन शख्स कहां नजर आया, कौन शख्स ने मेरे खिलाफ बोला, कौन शख्स मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है, मुझे सब मालूम होता है। फिर अगर मैं वो सियासत करना शुरू कर दूं तो बहुत महंगा पड़ेगा। मैं शहर के आवाम से सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि मैं कोई लीडर के भरोसे राजकारण नहीं करता हूं, न शेख रसी साहब हम करते हैं, बल्कि आप लोगों के भरोसे करते हैं, वर्करों के भरोसे, पब्लिक के भरोसे करते हैं हम लोग। आप हमारी ताकत हो, अगर आप हमारी ताकत जब तक हो तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और जिस दिन आप हमारे पास से हट गए तो हमें कोई चुन कर नहीं ला सकता, ये हमको समझता है। कौन सा एमएलए मिलेगा, कौन सी पार्टी के ऐसे लीडरान मिलेंगे आपको कि हम लोग आप लोगों के साना बसाना और सुबह से उठ के शाम तक काम करते हैं, हर वक्त आप लोगों के साथ रहते हैं। हो सकता मेरी मुलाकात कम होती, हो सकता मैं मुलाकात में कम पड़ता हूं, तो मैं जानबूझ के नहीं करता, मैं काम में लगा रहता हूं, शहर के विकास के, शहर के डेवलप के, ये काम में लगा रहता हूं। इसके लिए अगर कोई मुझसे गलती होगी जाने अनजाने के अंदर, तो अल्लाह वास्ते आप लोग माफ करें, लेकिन बचा हुआ वक्त इंशाल्लाह जरूर हम लोग शहर के विकास, शहर के हित के लिए जरूर काम करते रहेंगे। आखिर में मैं इसराइल भाई, उनके सभी साथियों, निजामी फाउंडेशन के राकीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल रखा, खालिद हाजी साहब का रखा। वक्त ज्यादा हो गया, इसके लिए मैं मेरी बात यही खत्म करता हूं, इंशाल्लाह आइंदा बात पूरी करूंगा। शुक्रिया।